तो चलिए आज हम पूरन पोली बनाते हैं। पूरन पोली बनाने के लिए मैंने 1 कप चना दाल लिया है, जिसे मैंने 3 घंटे पहले ही भिगो के रख लिया था। पूरन पोली महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश है। चना दाल को हम कुकर में डाल लेते हैं। 1 कटोरी ही इसमें हम पानी डालते हैं। कुकर को हमने गैस पे चढ़ा लिया है, इसका मैंने ढक्कन बंद कर लिया है। अब इसमें हम 2 सीटी लगवा लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल रामरति की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमें आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो आप बेफिक्र होकर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। 2 सीटी हो चुकी है, अब हम अपना गैस बंद कर लेते हैं। जब तक कुकर का प्रेशर खत्म हो चुका है, हम आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1/2 कटोरी आटा लिया और 1/2 कटोरी मैदा लिया है। आप दोनों में से कोई एक चीज़ भी ले सकते हैं। सभी को हम एक प्लेट में डाल लेते हैं। 2 चम्मच इसमें घी को ऐड कर लें। सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें 2 चुटकी नमक डाल लें। हल्के हल्के पानी डाल के इसका हम डो लगा लेते हैं। आटा लगा के तैयार कर लिया है। हमारा आटा न ज़्यादा लूज है और न ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल ऐसा आटा ही हमें लगा के तैयार करना है। इसका प्रेशर भी ख़त्म हो चुका है, तो चलिए हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। दाल एकदम हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। दाल से पानी निकाल के अलग कर लें। हमने सारा पानी निकाल के अलग कर लिया है। इसे हम मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। हल्का ठंडा होने पर ही इसे ग्राइंड करें। हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसमें मैंने 2-3 चम्मच पीसते समय पानी का भी इस्तेमाल किया है। इसे बनाने के लिए हम गुड़ और चीनी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो या तो गुड़ या तो चीनी से बना सकते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है। कढ़ाई हमारी हल्की गर्म है। अब इसमें हम अपनी दाल की बैटर को डालते हैं। बिना घी तेल दिए हमें इसे भूनना होता है। साथ में हम गुड़ और चीनी को भी डाल लेते हैं। तो चलिए हम सभी को भून लेते हैं। इसे धीमी आंच पे भूने। देखिए धीरे धीरे हमारा जो गुड़ है मेल्ट होने लगा है, चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है। इसे भूनने में हमें 7 से 8 मिनट का समय लगता है। हमें इसे तब तक पकाना होता है जब तक गुड़ और चीनी अच्छे से दाल में मेल्ट ना हो जाए। गुड़ और चीनी अच्छे से दाल में मेल्ट हो चुकी है, तो चलिए इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। मिश्रण हमारा ठंडा हो चुका है। इसमें हम 1 इलायची कूट के डाल लेते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। आटे की 1 छोटी सी लोई को ले ले, उतनी ही मात्रा में हम अपने स्टफिंग को भी ले लेते हैं। चकले पे हल्का सा मैदा डस्ट कर ले, इसे हम बेल लेते हैं। अपनी स्टफिंग को डाल लेते हैं और ऐसे ऐसे करके हम फोल्ड कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है। इसे हम ऐसे करके दबा लेते हैं। फिर से इसे हम बेल लेते हैं। फिर से हम मैदा डस्ट कर लेते हैं और इसे जितना हो सके उतना पतला बेल लें। हमने इसे इतना पतला बेल के तैयार कर लिया है। गैस पे हमने तवा को चढ़ा लिया है। तवा हमारा हल्का गर्म है। इस पे हम अपने पूरन पोली को डाल लेते हैं। दोनों ओर से पूरन पोली को हम 3-3 मिनट सेक लेंगे। तवे पे हम 2 चम्मच घी डालते हैं और इसे हम दोनों ओर से अच्छे से उलटते पुलटते हुए सेक लेते हैं। ये साइड से भी हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। दोनों ओर से पूरन पोली हमारे अच्छे से सिक चुके हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ऐसे ही हम सारे पूरन पोली को बना के तैयार कर लेंगे। ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। फिर से तेरिया घी डाल के इसे हम वैसे ही सेक लेते हैं। ये पूरन पोली भी हमारे दोनों साइड से अच्छे से सिक चुके हैं, तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कितने अच्छे हमारे पूरन पोली बन के तैयार हुए हैं। तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।